अंदर है उधर आप अंदर तो दोस्तों अभी जो है हम लोग बोचाही आए हैं और स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्नेक लवर में। और दोस्तों यहाँ जो है रामानंद पासवान जी का घर है और ये मुंगेर जिला का अंतर्गत आता है दोस्तों। बिहार में आप देख सकते हैं यहाँ जाल है दोस्तों। इस जाल में जो है एक कोबरा सांप बहुत बुरी तरह से फंस गया है। तो दोस्तों इस सांप का रेस्क्यू करने के लिए हमें बुलाया गया है, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। कोशिश करते हैं इसे बिना खतरे के निकाला जाए बहुत प्यार से। अंदर घुसा दिया है। कैंची होगा, कैंची मंगाइएगा जरा। पहले देख लीजिए मुंडी है ऊपर की नीचे नीचे देखो कब दिया करें। हाँ मुंडी पहले चेक करना जरूरी है। दोस्तों सांप का मुंह जो है बाहर में है, बाहर है। हाँ मुंह अरे ऊपर नहीं हट जा मुझे फंसा हुआ है। हाँ सांप का मुंह जो है बाहर आ गया है। वो जाल में फंस गया ना इसीलिए दस दाम से देखते ना जा रहा है। वो आदमी नहीं है उसको क्या है बहुत आराम से हमें निकालना होगा। ऊपर की होते हम भी चला कहाँ बैठ जाता है दूर में मुँह है फसल से ना मुँह नहीं फसते तो भाग नहीं खाली इतनी है ना। देख सकते हैं दोस्तों सांप जो है ऊपर मुड़ी ऊपर में है हम लोगों ने निकाल लिया है। पूरा और अब इसमें बहुत सावधानी से हमें निकालना होगा। आप लोग दूर हो जाइए। अरे यहाँ मारा भी है इसको कोई? नहीं नहीं मारा उरा नहीं है। हुआ बारिश होने लगा इसको चोट लगा हुआ है। कैंची में धार नहीं कैंची थोड़ा बढ़िया दीजिए ना। कैंची में धारे नहीं है यार तुमको फिर कपड़ा काटे दोस्तों ये सांप बुरी तरह से फंस गया है। दीजिए दीजिए हाँ दे।
थोड़ा सा जो है ना चोट न है पत्ता है, हमको लगा चोट लगा है। हम कोई नहीं मारा है। नहीं वो छोड़ा सर बोले तब मैं आ जाऊंगी। हां रेस्क्यू टीम वहां भी आएगा। हां ऊपर बजे रे यूट्यूबर वहां बैठे सही है हम लोग। जाल में पकड़ना जरूर आएगी। जाल में एगो अथियो मिलल विशाल बहुत विशाल एगो सब टी शर्ट उतर पहनी का मन तुम्हारी फोटो दे फसल लगभग हमने इस कोबरा सांप को खींच दिया है और अब क्या है इसका चेहरा फंस गया है, चेहरा हमें निकालना होगा। और यहाँ दोस्तों रिस्क काफी बढ़ जाता है। ये क्या है इसका चेहरे का एरिया है और ऐसे में क्या है सांप एग्रेसिव हो सकता है। अपने कुछ वहाँ पर कुछ खाना चलो उधर चलिए छोड़ा अभी मुँह धोए ले दुर्गा माइल तो अब यह कोबरा लगभग छूट चुका है दोस्तों। अब यहाँ काफी रिस्की सिचुएशन है क्योंकि कोबरा पीछे पलटने की कोशिश करेगा। देख सकते हैं दांत में फंस गया है। कलाम दिए दांत दिए देख अच्छा कौन सी अब लगभग सांप छूट चुका है। फाइनली देख सकते हैं इस कोबरा सांप की हालत और पूरी तरह से तंदुरुस्त है यह सांप। काफी परेशान था क्योंकि जाल में फंस गया था दोस्तों, इस वजह से सांप काफी कष्ट में था। तो बताते चले ये जहरीला सांप है दोस्तों। ऐसा सांप यदि आपको बाइट करता है
तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपके पास तकरीबन 1 घंटे तक का समय है। ऐसे में अस्पताल जाएं दोस्तों, ट्रीटमेंट कराएं और ठीक होकर घर आ सकते हैं। तो दोस्तों सांपों को मारना जरूरी नहीं है, जिस तरह लोगों ने इस सांप की जान बचाई, इसे रेस्क्यू करने के लिए हमें बुलाया, उसी तरह आप लोग भी सांपों को पहचानिए। सभी सांप साथियों जहरीले नहीं होते हैं, तो कभी भी सांप दिखे हम जैसे स्नेक सेवर को कॉल करें। तो चलिए अब इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, क्योंकि यह काफी परेशान है। डब्बा निकाल दिया। फाइनली दोस्तों अभी यह साहब भी समझ चुका है शायद कि इसे हमसे कोई खतरा नहीं है, हम इसकी जान बचा रहे हैं, इसलिए देख सकते हैं अपन नहीं फैला रहा है और बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ा सा यह रिलैक्स भी कर रहा है, क्योंकि काफी देर से फंसे होने के कारण यह काफी परेशान था और छूटने की कोशिश में जाल में और ज्यादा अंदर तक फंस गया था। यही है दोस्तों स्पेक्टिकल कोबरा सांप। तो चलिए इसे अब हम लोग डब्बे में डालते हैं। चलिए इसे अब हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं डब्बे में। फाइनली सांप को हमने अच्छी तरह से रेस्क्यू किया है। उम्मीद है आपको रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एकदम तालिका साथ यो 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 करो।